हेलो गाइज एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आज बात करते हैं जेड प्लांट की। तो ये जेड प्लांट जो है वो सबसे जल्दी ही बॉन्साई बनने वाला प्लांट है और बहुत ही अच्छा लुक ले लेता है। अगर आप जिस तरीके से चाहें इसका बॉन्साई बना दें, और इसका बहुत ही क्रेज है, बहुत ही शौक से लोग लगाते हैं इस प्लांट को, और सुंदर भी लगता है ये। इसके बॉन्साई तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और इसके बॉन्साई इस तरीके से बन रहे हैं कि इसकी आकृतियां भी बना रहे लोग काफ़ी, जैसे मोर है, हिरन है, इस टाइप के काफ़ी लोगों ने जो स्पेशलिस्ट बॉन्साई बनाते हैं। हमारे पास तो बॉन्साई का स्पेशलिस्ट नहीं है, शौक तो मुझे बहुत है और मैंने 8-10 प्लांट बॉन्साई बना भी रखे हैं। ये हमारा ये जो है वो जेड प्लांट का है। एक हमारे पास बरगद बड़ का पेड़ जो है वो लगभग 35 साल पुराना एक हमारे पास बॉन्साई है, जो मैंने बॉन्साई के इरादे से नहीं लगाया था, लेकिन 10-12 साल के बाद मुझे ख्याल में आया कि मैं इसको सेलो पोर्ट में लगा के और इसका बॉन्साई बनाए। तो अब करीब 25 साल से वो सेलो पोर्ट में लगा हुआ है, तो वो उसका अच्छा लुक आ गया है बॉन्साई का, और काफ़ी पुराना है। इसके बाद में मेरा एक बॉन्साई है जो बहुत ही सुंदर है, वो है फाइकस का। और फाइकस का बॉन्साई भी हमने करीब 15-1 साल पहले लगाया था, तो वो भी बहुत ही सुंदर हो रहा है। उसके जो एरियल रूट जो ऊपर से लटक रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं उसके। और उसका पिलखन का एक है बॉन्साई, वो भी बहुत ही सुंदर है। उसके भी हमने ये काफ़ी रूट ऊपर निकाल के पत्थर के ऊपर लगा के और फिर उसका लुक बनाया है, तो वो भी प्लांट हमारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बिगनवेलिया के 3-4 प्लांट हैं, और काफ़ी एडेनियम वगैरह भी हम बॉन्साई बनाते रहते हैं, लेकिन जो हमारा मेन काम है वो हम एडेनियम का लोगों को ज़्यादातर के बारे में बताते हैं कि एडेनियम लोगों के ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और ज़्यादा उसकी मर जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम आती है। किसी टाइम भी एडेनियम जो है वो ज़रा सी लापरवाही में एडेनियम जो है वो ख़राब हो जाता है। एडेनियम के लिए काफ़ी तजुर्बा चाहिए और काफ़ी धीरज चाहिए, यानी सब्र भी, सब्र का प्लांट है वो। आप चुपचाप बैठे रहिए उसमें और न ज़्यादा उसकी केयर करने की ज़रूरत है, बस 3-4 दिन के बाद उसके अंदर पानी डाल दें तो वो सही हो जाता है। तो उसी तरीके से ये प्लांट जो है, ये भी, इसकी भी केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप एक बार ही लगा दें इसको, और लगाने के बाद में बस इसकी प्रूनिंग वगैरह, शेप शक्ल इसको देते रहें अपनी मर्जी के हिसाब से, और ये प्लांट अच्छा लुक आपके हिसाब से दे देगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। जैसा चाहें वैसा इसको बना ले। इसकी आकृतियां बहुत ही सुंदर लोग बनाते हैं, जैसे कि मोर एक हमने देखा था इसका बना हुआ, तो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था जैसे मोर बैठा हो, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बनाया था। और यहीं कहीं हमने नज़दीकी दिल्ली के अंदर है वो गार्डन, जिसके अंदर वो जेड प्लांट के उन्होंने 100-150 प्लांट जो हैं वो बना रखे हैं बॉन्साई के, तो उनका बॉन्साई अच्छे भी लगते हैं, काफ़ी आकृतियां दे रखी हैं उन्होंने बॉन्साई की। हमने तो ये सिर्फ 2 प्लांट लगाए हैं, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, तो हम सिर्फ 2 प्लांट हमने लगाए थे। और काफ़ी दिन तक तो ये लंबे पोर्ट के अंदर लगे रहे, तो जो इसके स्टंप जो है वो हमने मोटे जब कर लिए, तब हमने इनको सेलो पोर्ट में लगाया, और सेलो पोर्ट भी अभी इनको मैंने छोटा दिया है, आगे चल के इनकी चौड़ाई और बढ़ा दूंगा जब ये थोड़े और मोटे हो जाएंगे। अब भी ये बहुत ही अच्छे खासे मोटे हो गए हैं, और इसके एरियल रूट मैंने बाहर निकाल दिए हैं सारे, तो ये और थोड़ा सा बड़ा पोर्ट बनाएंगे इसका, और बना के फिर उसमें जब ये लगाएंगे, या कोई हम सिनेमिक पोर्ट ले आएंगे इसके लिए, तो उसके अंदर लगा के फिर इसको पत्थर के ऊपर हम एडजस्ट करेंगे, और इसके एरियल रूट जो है ये बाहर को निकाल के और पत्थर के ऊपर इसको एडजस्ट करेंगे, तो और ज़्यादा ये सुंदर लगेगा। तो ये 2 प्लांट हैं, और दोनों को हमने अलग अलग आकृतियाँ दी हैं इसकी, और इसकी वजह से ये हमारे 2 प्लांट बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, और इनकी केयर भी बहुत कम करनी पड़ती है। बस इसको 15-20 दिन में एक मरतबा पानी दे दीजिए, और जितना ही ये असल में सोलो पोर्ट के अंदर इसके लीफ छोटे हो जाते हैं, क्योंकि बॉन्साई लुक आ जाता है, इसके रूट नीचे चलते नहीं हैं, बस साइटों में रूट इसके चलते रहते हैं, और जब ये रूटों से भर जाता है 1-2 साल के बाद, तब इसको निकाल के इसके रूट की सफाई करिए आप, और दोबारा से सॉइल बना के और इसको लगा दीजिए। तो अभी हमने पिछली साल इसको हमने रिपोर्ट किया था, और देखिए ये बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। तो पिछली साल हमने इनको रिपोर्ट किया था, तो अभी हम इस साल इसको और नहीं रिपोर्ट करेंगे, और ऊपर से हम लिक्विड फर्टिलाइजर इनको देंगे कि ताकि इसकी जो सॉइल है
उसमें दोबारा से जान अच्छी पड़ जाए और हमारी जो प्लांट है इनकी बोनसाई प्लांटों की ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो ये असल में हमको भी इनसे बहुत ही बहुत मोहब्बत है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ये, और इसकी जो ऊपर की ये ब्रांचें हैं इनको बारी बारी ट्रून करने पड़ता है, तो उसकी वजह से ये बुशी हो जाता है, काफ़ी घना हो जाता है। अभी इस प्लांट के अंदर काफ़ी कमियां हैं, एक दो साल और लगेंगे जिससे बिल्कुल इसके अंदर जगह नहीं, कहीं देखिए ये जगह थोड़ी थोड़ी बच रही है, ये भी नहीं बचेगी, क्योंकि जितनी इसको ट्रून करेंगे इस तरीके से, ये ऊपर जितना आप निकलेंगे इसके ऊपर के टिप्स को ट्रून करना है ये इस तरीके से ये, और इजी ग्रो हो जाता है ये। आप इसकी जरा सी ये ब्रांच ऐसे काटिए और इतनी भी ब्रांच आपने लगा दी, बहुत ही बेहया ये प्लांट है, और इतनी सी ब्रांच भी ये जम जाती है और ग्रो हो जाती है, और साल दो साल में आपका एक प्लांट तैयार हो जाता है। तो इतनी जल्दी बढ़ने वाला प्लांट और इतनी जल्दी बोनसाई बनने वाला प्लांट दूसरा नहीं है। अगर बोनसाई को जिसको शौक है तो जेड प्लांट से बोनसाई शुरू करें आप और उसके मजे लीजिए आप, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज हम इसकी साथियों जो इसकी ट्यूनिंग करके इसकी शेप शक्ल दे रहा हूँ, तो ये इस तरीके से आप इसकी ऊपर की जो टिप्स हैं वो काट के और इसको इसको लुक जो है वो अच्छा दे दीजिए आप। तो एक एक करके हम इस प्लांट को ट्यून करते हैं, पहले इसको अलग रख देंगे और इसकी पहले अच्छी तरीके से ट्यूनिंग कर दें, जो एक्स्ट्रा ब्रांच हैं वो सारी काट देनी है। जितने आप इसको प्रून करेंगे उतने ही ज्यादा ये बुशी होता है, घना हो जाता है, और जितने घना होगा उतने ही सुंदर लगेगा। इसी तरीके से हम दूसरे प्लांट को भी प्रून कर लेंगे। बस टिप टिप्स काटते रहें इसके, और जो ब्रांच ज्यादा एक्स्ट्रा निकल रही है उसको ऊपर से काट दें। इसको राउंड शक्ल में हमने दिया है तो राउंड ही हमने इसको बनाना है। थोड़ा सा बोनसाई का जो ये रेच होती है टेढ़ा बेढ़ा कर दिया जाता है इसकी, इसका ये देखिए आप स्टंप इस तरीके से मैंने इसको मोड़ा है, और मोड़ के ये तारों के जरिए मैंने इसकी शेप दी थी तो वायरिंग करके, और अब इसकी लुक भी बहुत ही प्यारी आ गई है। पर यह है कि इसकी प्रूनिंग जो है वो एक दो महीने के अंदर जरूर कर दें आप, जिससे इसकी जो है लुक अच्छा आ जाता है और जैसा चाहे वैसा बना लें। ग्रोथ तो बहुत तेजी से करता है, लेकिन इसमें अगर आप पानी देते रहेंगे रेगुलर तो ये और भी सही रहता है, ताकि इसके जो लीव हैं वो काफी मोटे मोटे हो जाते हैं। लीव तो छोटा रहेगा क्योंकि ये सेलो पॉट है, सेलो पॉट के अंदर लीव्स इसका छोटा हो जाता है, और अगर आप लॉन्ग में लगा देंगे तो इसके लीव्स बड़े बड़े हो जाते हैं। बस ये इतना फर्क है, लेकिन लॉन्ग गमले के अंदर जो लॉन्ग पॉट है तो उसके अंदर इतना ये अच्छा नहीं लगता है जितना ये सेलो पॉट में अच्छा लगता है, क्योंकि इसका बोनसाई लुक जो है वो सेलो पॉट का ही अच्छा होता है, और लॉन्ग जो पॉट होते हैं उसके अंदर आप बोनसाई उसको नहीं कह सकते। तो इस तरीके से दोनों पोटों की हमने
प्रून कर दिए है, अब इसके अंदर हम फर्टिलाइजर देंगे। तो साथियों ये मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर लिया है और ये लिक्विड फर्टिलाइजर इसके अंदर डालेंगे ताकि इसको दोबारा से अच्छी इसकी सॉइल में जान पड़ जाएगी, सारी सॉइल में ये मिक्स भी एक साथ हो जाता है। तो लिक्विड फर्टिलाइजर का ये काम है कि सॉइल को दोबारा से रिचार्ज कर देता है और पूरी सॉइल जितना न्यूट्रिएंट्स इसने खींच लिए हैं प्लांट ने सॉइल में से, वो सब ये पूर्ति कर देगा और सॉइल दोबारा से रिचार्ज हो जाएगी। तो ये हम लिक्विड फर्टिलाइजर इसके अंदर हम डालेंगे आज। पानी डालते डालते एक साइड में सॉइल चली गई इसकी। तो इस तरीके से आप अपने जेड प्लांट की प्रूनिंग करके और फर्टिलाइजर दे सकते हैं और बोनसाई बहुत ही अच्छा बनता है। आप भी बनाइए और अपने गार्डन की शोभा बढ़ाइए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।